हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस एनसीईआरटी के इंटरेक्टिव सेशन में। और मैं हूं आपके साथ शिवानी झा। आप सभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 9 पर। और आज फिर से हम क्लास 9 के बच्चों के लिए हिंदी का बहुत ही बेहद अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आ गए हैं टॉपिक। और टॉपिक अगर मैं नाम बताऊं आपको तो वो है ललद्यत। तो ये ललद्यत क्या होता है इसको हम आगे जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आज इस सत्र से जुड़ा हुआ आपको लगता है कोई भी सवाल आपके मन में है या कोई भी डाउट क्वेरी आपके मन में आती है तो आप वो हमसे सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8800440559। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट क्वेरी को हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in। ये सभी तमाम जानकारियां थी जो मैंने आपको इस सत्र से जुड़ी हुई दे दी। तो इसके बाद आप बिना किसी देरी के आपको आज के हमारे एक्सपर्ट से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी जो कि सहायक प्रोफेसर हैं भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी न्यू दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे सत्र में। शिवानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत स्वागत एवं अभिवादन है जी। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को अभी हमने बताया था कि आज का टॉपिक जो है वो है ललद्यत। लेकिन यहाँ पर पहले तो हम यही जान लेते हैं कि सर ललद्यत होता क्या है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। वास्तव में शिवानी जी ललद्यत एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है। ललद्यत साहित्य की कोई विधा नहीं है जैसे दोहा चौपाई या कथा कहानी उपन्यास ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो ऐसे ललद्यत कोई विधा नहीं है। ललद्यत एक कवियत्री का नाम है जी। और ये कश्मीर में हुई थी। इनका कार्य क्षेत्र जो है इनका जन्म क्षेत्र मृत्यु और कार्य क्षेत्र सब कुछ कश्मीर रहा है। तो ललद्यत कश्मीर की एक प्रसिद्ध जैसे हिंदी साहित्य में रहीम कबीर तुलसी रसखान मीराबाई जैसे प्रसिद्ध कवियत्री हुए हैं जिनको कि हम लोग भक्ति काल के कवि कहते हैं। जब हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है तो कई कालों में बांटा गया, 3-4 काल में बांटकर उसका नामकरण किया गया है। उसमें से एक काल होता है भक्ति काल जिसकी मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें जितनी भी साहित्य की सर्जना की गई विशेषता काव्य साहित्य की सब में भक्ति को महत्वपूर्ण विषय के रूप में दर्शाया गया है जी। तो उसी काल में ललद्यत भी होती है कश्मीर में। तो मतलब आज जो है कवित्री ललद्यत हम उनके बारे में और उनके लाइफ से जुड़ी हुई चीजों के बारे में उनके बारे में उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ संक्षिप्त जानकारी और जो उन्होंने रचनाएं की हैं उन रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे जी। हमारे पाठ्य पुस्तक जो है नवी कक्षा की क्षितिज तो इसमें ललद्यत की 4 रचनाओं को शामिल किया गया है जी। और हम अगर और शुद्धता के साथ कहना चाहें तो ललद्यत की रचनाओं के हिंदी अनुवाद को शामिल किया गया है क्योंकि इन्होंने कश्मीरी भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। तो हम आज उस हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे और हम सिर्फ 2 ही रचनाओं का आज पाठ करेंगे, आज समझेंगे उसके विषय में क्योंकि समयाभाव के कारण अन्य 2 रचनाओं को हम आज की कक्षा में शामिल नहीं कर पाएंगे, आज की इस चर्चा में शामिल नहीं कर पाएंगे जी बिल्कुल। तो अब ललद्यत की का जन्म जो है वो कश्मीर स्थित पामपोर के सिंपुरा नामक गांव में हुआ था। ये 1320 ईस्वी 14वीं शताब्दी के कश्मीर की बात हो रही है। वर्तमान में ये चीजें यह स्थान तो जरूर होगा लेकिन किस रूप में और किस नाम में होगा ये अकथनीय है। 1320 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु सन 1391 के आसपास होती है। इनको और कई नाम वहां के लोगों ने दिया। जब ये संत के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जब लोग इनको जानने लगे कि ये प्रसिद्ध संत हैं जिनका जीवन जो है ईश्वर की भक्ति और आराधना के लिए ही है तो इनके शिष्यों इनके अनुयायियों ने इनके कई नामों से प्रसिद्ध किया है, कई नाम दिए इन्हें। और ये किसी भी धर्म विशेष किसी भी जाति विशेष के लिए संत नहीं थी, के लिए महान नहीं थी। ये धर्म जाति इन सब चीजों से ऊपर उठ के थी। तो जितना ये हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में प्रसिद्ध हुई उतना ही ये इस्लाम धर्म में भी प्रसिद्ध हुई हैं। तो इनको इनके अन्य नामों में इन्हें ललेश्वरी लला
लल योगेश्वरी, लला अरीफा आदि के नामों से भी जाना जाता है। ये सारे इनके अनुयायियों द्वारा इनको नाम दिए गए हैं। भक्ति काल की थी तो इनकी भी मुख्य रचनाओं में भक्ति ही प्रसिद्ध वर्ण विषय रहा है, मुख्य वर्ण विषय जो है भक्ति ही रहा है। और इन्होंने अपनी सारी रचनाएं जो है वो कश्मीरी भाषा में लिखी हैं। जी। तो जैसा मैंने पहले बताया कि यहां हमारी पाठ्यपुस्तक में उसके हिंदी अनुवाद को शामिल किया गया है। अब इनकी रचनाओं में है क्या, तो पहली बात मैंने कहा कि ये जाति और धर्म से ऊपर उठ के थी, तो जाति और धर्म संबंधी जो संकीर्णताएं हैं, जो मतभेद हैं लोगों के बीच में, जो उनके कारण जो ऊंच नीच का भेदभाव पैदा हो जाता है, इसको छोड़कर, इन सबको त्याग करके उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि सर आजकल देखें तो ये जाति और धर्म को लेकर के बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ऐसे हमारे सामने जितने भी विवाद हो रहे हैं उसमें इन दोनों बातों का, जाति धर्म और उसके बाद वर्तमान में एक सामाजिक सोशल क्लास जिसको हमने कहा लगा, सामाजिक वर्ग जो बन गया है, उसके कारण ये सारे मतभेद पैदा हो रहे हैं। और मतभेद फिर मन का भेद हो जा रहा है, और ये जब मन भेद बन रहा है मतभेद से, तो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इन्होंने भक्ति के मार्ग को अपनाने की बात कही। इन्होंने कहा कि ये जो धार्मिक आडंबर है भाई, ईश्वर के प्रति आस्था जो है वो बुरी बात नहीं है, ईश्वर के प्रति विश्वास बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके प्रकटीकरण के लिए हम जो ये तरह तरह के कर्मकांड करते हैं, बिल्कुल पूजा पाठ नमाज, गिरजाघर में जाके कैंडल जलाना, सबका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति ही है, लेकिन इसके लिए जो अलग अलग तरह के कर्म कांड है, माला जपना, मंदिर जाना, ये वो, इनका उन्होंने विरोध कहा, कहा कि ईश्वर की प्राप्ति जो है इनसे परे है, ईश्वर इनमें बंध के नहीं है, मतलब ये दिखावा हो गया। हाँ, इसको उन्होंने कहा कि ये सब दिखावा है, ये वास्तव में भक्ति नहीं है, भक्ति का दिखावा है जो कि समाज में दूरी पैदा कर रहा है, समाज के लोगों के बीच में एक खाई पैदा कर रहा है। और जब बनाने वाले ने, जब ईश्वर ने सब उसी की सृष्टि, हम कहते हैं कि हम सबको इस संसार में जितने भी लोग हैं, या पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु जो कुछ भी है, सब उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, तो जब उन्होंने कोई भेद नहीं किया तो हम ये भेद क्यों कर रहे हैं। तो इस बात को कहने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो हमारा दिखावा है अपनी आस्था का, इससे दूर हटकर, और हम जो भक्ति का मार्ग है, यानी जो शुद्ध भक्ति है जिसमें कहीं कोई दिखावा नहीं है, उस वैसे उस भक्ति का मार्ग अपनाएं जी। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य जो है, जो वैल्यूज की हम बात करते हैं कि भाई मानव जीवन में जो जो मूल्य होने चाहिए, जो वैल्यूज होनी चाहिए, उसमें सबसे बड़ा मूल्य जो है वो प्रेम का है। जब ह्यूमन वैल्यूज की बात की जाती है तो त्याग, दया, क्षमा, प्रेम, इन सब की बात की जाती है। उसमें इन्होंने कहा कि प्रेम जो है ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और अगर प्रत्येक व्यक्ति में ये प्रेम का तत्व पाया जाने लगेगा, उसके जीवन का ये एक महत्वपूर्ण मूल्य हो जाएगा, तो ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जब हम सबसे प्रेम करना शुरू कर देंगे, जब सबको एक समान समझने लगेंगे, तो आधी से अधिक समस्या यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले तो धार्मिक आडंबरों का विरोध किया उन्होंने, और फिर कहा कि प्रेम आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य होना चाहिए। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर उन्होंने अपनी सारी रचनाएं की। भाषा इनकी बिल्कुल सरल रही है, रचना करते समय इन्होंने ये ध्यान देखा कि हम साहित्य की रचना नहीं कर रहे हैं, इनका ये मानना था कि हम साहित्य की रचना नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी रचना कर रहे हैं जो समाज के कल्याण के लिए है, और समाज का कल्याण तब होगा जब हमारी बात समाज के अधिक लोगों तक पहुंचे, और सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि लोग उससे जुड़े। जुड़ाव कब होगा, जब हम उसे अपना समझेंगे। इसलिए इन्होंने भाषा जो है वो जन भाषा रखी, बिल्कुल ही सरल भाषा रखी। आगे हम अब पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसी इनकी भाषा रही है। अब ये तो बात ललादे की हो गई,
ललद की रचनाओं को वाक् कहा गया है जी। अब जहां तक मेरा मानना है कि वाक् शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के वाक् से हुई है, ये वाक् का अपभ्रंश रूप वाक् हो गया है। वाक् का मतलब होता है वाणी, कही गई बात। तो यहां पर ललद्यत ने जो अपनी बात कही उसको वाक् कहा गया है। और बाद में कालांतर में ये एक विशेष प्रकार की काव्य शैली का भी प्रतिनिधित्व करने लगा, जो कि चार पंक्तियों में लिखी जाती है, और इसका प्रचलन हमें कश्मीरी साहित्य में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन इसकी शुरुआत ललद्यत के समय से ही हुई थी जी। तो वाक् यहां पर चार पंक्तियों में लिखी गई काव्य है जो ललद्यत के द्वारा लिखी गई है और हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल है, उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और वाक् पर आते हैं। पहला वाक् उन्होंने जो लिखा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है मेरे। अब अगर इस रचना को देखा जाए तो इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बहुत क्लिष्ट हो, बिल्कुल बहुत कठिन हो। एकाध ऐसे शब्द जरूर हैं जो आज के परिदृश्य में हो सकता है कि क्लिष्ट कठिन लगे, जैसे सकोरे। तो सकोरे शब्द जो है ये आज के परिदृश्य में जरूर लोगों को कठिन लग सकता है, लेकिन ये सारे जनमानस के लोक भाषा के शब्द हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें जो शब्द कुछ आए हुए हैं उनके अर्थ को कैसे इन्होंने लिया है। कच्चे धागे, तो कच्चा धागा जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, वो तुरंत टूट जाता है जी। तो कच्चे धागे से यहां धागा अर्थ नहीं लिया है, कमजोर धागे से मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि सहारा जो है जीवन जीने का, वास्तव में ये सब बातें बिंब में हो रही हैं। भक्ति काल के ज्यादातर कवि लोग जो हुए हैं या कवित्री लोग हुए हैं वो अपनी बातों को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं लोगों को, और उदाहरण देने के लिए वो अलग अलग तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं, और यही संकेत जो है वो जनमानस से लिए गए बिंब होते हैं। जनमानस से कुछ शब्द लेते थे जो उनकी बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कच्चे धागे से अर्थ यहां उन्होंने कमजोर सहारा से लिया है, और सहारा किस चीज के लिए, जीवन जीने के लिए। देव शब्द देवता या परमात्मा के लिए आया है, भव सागर संसार रूपी समुद्र के लिए आया है, सकोरे शब्द वर्तमान में कुल्हड़ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, कई प्रदेशों में यह पुरवा भी जाना जाता है, और कई प्रदेशों में इसे सकोरे की जगह कसोरा कहा जाता है। तो ये मिट्टी का पात्र होता है जिसमें पानी दूध या चाय पीने के भी काम में लिया जाता है। व्यर्थ यानी बेकार, हुक यानी तड़प या वेदना, चाह इच्छा कामना, इन सब की बात ये। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द इस वाक से लिए मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए। अब ये वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं ये हम देखते हैं। तो फिर से एक बार वाक पे आते हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव कैसी है, नाव किसको कह रहे हो, जीवन को। ये जो जीवन मिला है हमें ये नाव है, और इसको खींचने के लिए, इसको ढोने के लिए जो रस्सी है वो हमारी प्राणवायु है, प्राण है। तो जो नाव हमारी जीवन रिपु नाव जो है उसको मैं जो अपने प्राणवायु से खींच रही हूं वो बहुत ही कमजोर है। कमजोर है यानी कि वो इतना नहीं है सशक्त कि मैं इस जीवन में अपने ईश्वर के साक्षात दर्शन कर पाऊं। आगे वो कहती है कि जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ईश्वर परमात्मा कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस संसार से, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, अब पानी क्या है, ये संसार, ये भौतिक संसार जो है उसको पानी कह रही है कि मेरे जीवन रूपी नाव के लिए उन्होंने ये जो पानी दिया है, ये जो संसार दिया है जिसमें जी सकूं मैं, वो क्या है कि कच्चे सकोरे से जिस तरह से पानी रिसता है उसी तरीके से मेरे शरीर से, यहां पर सकोरा को उन्होंने शरीर से लिया है, तो मेरे शरीर से उसी तरीके से ये जो सांसारिक
मोह माया की जो बात है, पानी वो रिस्क के बह जा रहा, मेरा शरीर इसमें बंधे रहने में सक्षम नहीं हो रही है, मैं लाख प्रयास कर रही हूं, मेरे सारे प्रयास जो है वो बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है मेरे, और इसकी वेदना जो है वो मन में बार बार आ रही है कि मैं अपने ईश्वर से मिल नहीं पा रहे, उनके दर्शन मुझे नहीं हो पा रहे हैं, मुझे उनके दर्शनों की अभिलाषा है। घर मतलब सांसारिक घर नहीं जहां लोग रहते हैं, घर यानी वो उस संसार की बात कर रही हैं जहां की उन्हें अपने ईश्वर से उनके दर्शन हो जाए। तो वो कह रही हैं कि अब मुझे भवसागर पार करने की इच्छा है, मुझे अपने ईश्वर के दर्शनों की इच्छा है, मेरी जो सांसें हैं वो बहुत कमजोर हो गई है, इस जीवन को बांधे रखने के लिए, इस संसार में इस जीवन रूपी नाव को खींचने के लिए वो सक्षम नहीं है। तो वो ये कहती है मुख्य रूप से कि हमारा सारा प्रयास जो होना चाहिए वो ईश्वर की भक्ति के लिए होना चाहिए, ईश्वर में लीन होने के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राण है वो, ये जो जीवन मिला है हमें, वो इतना सक्षम नहीं है कि हम स्वयं को भवसागर से मुक्त करा सके बिना ईश्वर के सहायता के। तो ईश्वर की भक्ति में लीन होकर ही हम भवसागर पार कर सकते, इसलिए हमारा सारा प्रयास उसी के लिए होना चाहिए। तो ये भक्ति मार्ग की बात कर रही है, कह रही है कि भक्ति पर चल के ही हम जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे दूसरे वाक को देखते हैं, वाक संख्या दो। अब बड़ी विचित्र सी बात इसको पढ़ने पर लगेगी, खा कर कुछ पाएगा नहीं। अब हम कुछ खा रहे हैं तो कुछ तो पाएंगे ही, बिल्कुल, लेकिन ये कह रहे कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। नहीं खाए तो अहंकारी हो जाएंगे, कैसे भाई, मेरी मर्जी, हम खाएं ना खाएं, अगर सामान्य अर्थ को देखा जाए तो। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें भी कुछ शब्द हैं, हालांकि वैसे सब कुछ आसान ही है, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों को मैंने विद्यार्थियों के लिए चुना है, उसको देखते हैं हम लोग। अहंकारी घमंडी, सम का मतलब सामान्य अर्थों में होता है, शाब्दिक अर्थ होता है समान या बराबर कह लें, लेकिन यहां पर सम शब्द जो है वो बाह्य एवं अंतःकरण के जो इंद्रियां हैं जो हमारी, उसके समन यानी उसके नियंत्रण की बात कर रहे हैं, उसके कंट्रोल, उसके निग्रह की बात कर रहा है। सम का मतलब यहां इससे लिया जा रहा है, समभावी यानी समानता का भाव, साकल कुंडी या बंधन, जो दरवाजे में कुंडी लगी रहती है उसको सांकल कहा जाता है, तो वो एक प्रकार से दरवाजे को बंद करने के, एक बंधन है दरवाजे का, तो ऐसे ही जो जीवन का बंधन है उसको यहां पर उन्होंने सांकल कहा है। अब इसके अर्थ को देखते हैं, खा कर, खाने से यहां तात्पर्य भोग विलास से। वो कह रहे कि जितना भी तुम भोग में लिप्त रहोगे उससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बार भी खा आया है, एक तो भोग के लिए हो गया, दूसरी बार कि भोग छोड़ के वैराग ग्रहण कर लेना, दो एक्सट्रीम एंड है, और या तो इधर है या इधर है, या तो भोग की ओर है या सन्यास की ओर है, इन दोनों से ही कुछ प्राप्ति नहीं होनी है, ऐसा उनका मानना है। इससे कहती है कि इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति, हमें परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए हमें, सम खा यानी अपने इंद्रियों का शमन कर मध्यम मार्ग को अपनाओ, जो बीच का मार्ग है उसको चुनो, और वो बीच का मार्ग क्या है, समानता का, समानता यानी संतुलन का, सुख दुख राग द्वेष हर एक परिस्थिति में जो मनुष्य एक समान रहता है, जिसके भावों में कहीं कोई विचलन नहीं होता है, कहीं कोई समस्या नहीं होती है उसके, कभी वो ऐसा नहीं कि भावा इतरेक में बहुत प्रसन्न हो जाए, कभी बहुत क्रोधी हो जाए या दुखी हो जाए, इस तरह के जो व्यवहार जहां नहीं देखने को मिलते हैं उसको संभावी कहा जाता है। तो जो मनुष्य संभावी हो जाता है, जो अपने नियंत्रण, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मध्यम मार्ग को अपनाकर भक्ति भाव को अपनाता है, मध्यम मार्ग से ईश्वर की आराधना करता है, उसके लिए जो मुक्ति रूपी द्वार है, जो मुक्ति का मार्ग है, उसकी कुंडी यानी उसके सांकल, उसके बंधन स्वयं ही
खुल जाते हैं। और जब मुक्ति का दरवाजा खुल गया, हमें इस कमरे के अंदर आना है और कमरे का दरवाजा खुल गया, तो जब कमरे का दरवाजा खुल जाएगा तो मुक्ति अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। हमें जिस कमरे में जिससे भी मिलना हो, दरवाजा खुला तो हम स्वतः मिल लेंगे। तो वैसे ही जैसे मुक्ति रूपी मार्ग जब खुल जाता है, जब उसकी कुंडी खुल जाती है, तो व्यक्ति का परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है। तो यहां पर इस वाक्य के माध्यम से उन्होंने जो दो विपरीत मार्ग हैं और दोनों एकदम चरम है, या तो संन्यास का मार्ग अपनाना या भोग का मार्ग अपनाना है। जहां भोग अपनी चरम सीमा पर होता है, वहां वैराग और ये संन्यास इन सबों का कोई महत्व नहीं होता है जी। और जहां संन्यास अपनी चरम सीमा पर होता है, वहां भोग का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये दोनों चरम सीमा पर स्थित होने से ही व्यक्ति जो है वो अहंकारी हो जाता है। नहीं खाएगा तो होगा अहंकारी, अहंकारी हो जाता है, वो खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है जी। और ईश्वर की प्राप्ति तो समर्पण से हो सकती है। बिल्कुल, ईश्वर के आगे हमें अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना होता है, सब कुछ छोड़कर और अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से, सभी दुखों से उद्धार करके और तुम्हें अपना लूंगा। मतलब मन तुम्हें से अपनी शरण में ले लूंगा, शरण में चले जाएं। तो जब हम अपना अहम छोड़ेंगे तभी हम ईश्वर में लीन हो सकते हैं। तो इसी बात को वो कहती है कि दोनों दो विपरीत मार्ग जो है, इसको छोड़कर और मध्यम मार्ग को अपनाना है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके बीच का मार्ग अपनाकर संतुलित रहते हुए ईश्वर की मुक्ति का मार्ग स्वयं ही खुल जाता है। और इसी के साथ ये जो वाक संख्या दो है वो समाप्त होता है। और आज मैंने दो वाक को ही पढ़ने की पढ़ाने की बात की थी, तो इस प्रकार से ये दोनों वाक संपन्न होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पर आपने ललद्वित के वाक को समझा, जहाँ हमने दो वाक को यहाँ पर चर्चा किया, और अगले सत्र में जो है दो वाक और हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, और हमारे साथ जो सर यहाँ पर जुड़े हुए थे हम उनका भी धन्यवाद कर लेते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया इस। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। तो यहाँ पर आप सभी दर्शकों का और बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ ही इसके बाद जो प्रोग्राम और सेशन आने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आप अगला देखेंगे 3 बजे से 3:30 चैनल नंबर 10 पर, सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स और टॉपिक रहेगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट 1। इसके बाद आप 3:30 से 4 देखेंगे चैनल नंबर 10 पर, क्लास 10th के बच्चों के लिए सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस और टॉपिक रहने वाला है वाटर रिसोर्सेज। देन उसके बाद 2:30 से 4 आप देख सकते हैं चैनल नंबर 6 और 11 पर, क्लास 6 और 11 के बच्चों के लिए टॉपिक है डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स अबाउट एडोलेसेंस। देन इसके बाद 4 से 5 आप देखेंगे चैनल नंबर 6 से 12 पर, क्लास 6 से 12 के बच्चों के लिए टॉपिक रहेगा डिजिटल इनिशिएटिव स्वयं। देन इसके बाद 5 से 5:30 हर रोज की तरह सहयोग का सत्र भी आएगा आप सभी के लिए, और इसका टॉपिक रहेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट ग्रोथ। देन इसके बाद आज नीपा का सेशन भी आप देखेंगे 5:30 से 6:15 तक, और टॉपिक रहेगा स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट। ये सारे प्रोग्राम्स के डिटेल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। आप हमसे हमारे पीएम ई विद्या चैनल्स और साथ ही एनसीईआरटी ऑफिशियल चैनल जो है हमारे यूट्यूब, इस पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी लगता है सवाल, डाउट, क्वेरी आता है आपके मन में, तो आप सीधे तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।